से दूध ठंडा हो रहा है। हाँ देखो इलायची वाला और बादाम वाले दूध का भी लंगर लगे हुए यहाँ पर, तो अभी हम दूध पी के तो फिर बाद में मिलते हैं। चलो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं बाबा पाला सिंह जी गवां वाले, जो हमारे पास ही है गुरुद्वारा, तो वहां पर मेला लगता है, बहुत भारी मेला लगता है भाई। मैं आपको दर्शन करवाऊंगा वहां पर, इतने लंगर लगते हैं कि भाई पूछो ही मत, जैसे कुलचे छोले छोले भटूरे और फ्रूट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जूस और मैंगो शेक और पता नहीं, पूछो ही मत के कितने लंगर लगते हैं। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा वहाँ वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्ट वीडियो होने वाली है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो भाइयों मैं आपको दिखा देता हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो का काम कितना हो चुका है। तो ये रहा अपना YouTube स्टूडियो भाई, प्लास्टर हो गया है और ये ऊपर से छत भी देखो बढ़िया निकला ही, और देखो प्लास्टर हो गया सारी दीवारें और नीचे टाइल भी लग चुकी है, और ये लकड़ी का काम चल रहा है अपना। ये सिंगल बेड अपना तैयार हो चुका है, ऊपर सिर्फ गद्दी लगने वाली है अभी। तो ये अपना टेबल है जहां पर बैठ के अपना वीडियो एडिट करेंगे और काम करेंगे ना, मेरा और गोरा ब्लॉगर का, हमारा ये YouTube स्टूडियो है। तो ये नीचे सामान पड़ा है थोड़ा, अभी काम मतलब थोड़ा बाकी है अभी। एक और ये अपना दरवाजा है, यहाँ पर दरवाजा लगेगा, इसके ऊपर सन मैगा लगना बाकी है, थोड़ा काम 4-5 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज मिस्त्री नहीं आया, वो भी मेला देखने जा रहा है। तो चलो मैं वीडियो वहीं पर आके कंटिन्यू करता हूँ, तो वीडियो पर बने रहना यार, वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। तो चलते हैं, मैं कर्णवीर और बलविंदर हम जा रहे हैं मेला देखने, तो वहीं पे जाके आपको मिलते हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आए हैं, बाबा पाला जी की बरसी है तो वहां पर आए हैं दर्शन करने। तो मेरे साथ आया कर्णवीर भी, कर्णवीर ने अभी चावल खाए हैं, कढ़ी चावल, तो यहाँ पर लगा हुआ लंगर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई कड़ी चावल खा के हैं अभी, तो कर्णवीर मांग रहा है पानी पी ले कर्णवीर, तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर देखो कितनी भीड़ है। इधर चल रहा है कड़ी चावल और यहाँ पर बहुत ज्यादा लंगर लगे हुए। खोल देता हूँ बेटा, अभी खोलता हूँ, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। भीड़ काफी है देखो, यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड है ना, तो कार पार्किंग भी है इधर, इसलिए ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। ठंडे मीठे पानी की छबीले लगी हुई है, एक लंगर यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हैं आप। चलो कर्णवीर क्या क्या खाएगा आज? हाँ भाई कर्णवीर को देखो, बहुत खुश है कर्णवीर। इधर देखो वीडियो निकर पेंट ढीली है बोल रहा है, एक मिनट यार मैं इधर साइड ते करके पेंट करना सही। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ काफी है, तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ के दर्शन करवाए थे मैंने, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का गुरुद्वारा है और बाबा पाला जी का गुरुद्वारा है आगे, तो यहाँ पे भी बाद में आएंगे, पहले वहाँ पर मत्था टेकने, क्योंकि बारिश हो रही है उसकी वजह से भीड़ कम है, बाद में भीड़ ज्यादा हो जाएगी। तो देखो पब्लिक काफी आ चुकी है, इधर आ गए गुरुद्वारा साहिब। कर्णवीर झूठा लेना पंगूड़े दे झूले दे हैं, चल पहले दर्शन कर लेते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो बाद में इसको झूले पे झुलाऊंगा। हैं हाँ दे देंगे, देख सकते हैं रास्ते पे लंगर लगाए हुए हैं, यहाँ पर जूस चल रहा है लीची का। करन नु अगे ले जा, साइड ते जा, देख सकते हैं लीची का जूस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो अभी यार भीड़ बहुत ज्यादा है, कर्णवीर घबरा गया एकदम,
करणवीर सुबह से बोल रहा था कि यहाँ पर जूस पीऊंगा। यहाँ पर रूट के भी लंगर लगे हुए हैं। देखो मैं करणवीर को उठा देता हूँ, चल आ जा, आ जा मेरे पास। फेंक दे नीचे, फेंक दे। केले खाना। हाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फ्रूट। इन्हों टाल दिती है, सीख कमान दिता उस बोले कलगिया वाले ने नवे बख्शे ने बोले अन्ने आते ने सूरमा सिंह है। करणवीर बूटा लेना। करणवीर तो बेचारा वेची दबिया गया। तो भाई आगे देखो बहुत ज्यादा लंगर लगे हुए। हेलो, तो भाई करणवीर बोल रहा है कि फैंटा पीऊंगा तो उसको पिला दे। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की ट्रोलियां भर भर के आई हुई है यहाँ पर, जबरदस्ती पिला रहे हैं। जैसा भी आप पीना चाहते हो ना, देखो आगे, देखो आगे चाय और पकौड़े का लंगर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध का लंगर लगा है, यहाँ पर दूध पिला रहे हैं। तो हेलो भाई, देखो कि अपना करणवीर है जो पहले तो कह देता है कि खाना है तो जब ले लेते तो बाद में खाता नहीं है। यार पीला थोड़ा दूध पीना ठंडा करके। हाँ देखो इलायची वाला और बादाम वाले दूध का भी लंगर लगे हुए यहाँ पर। तो अभी हम दूध पी के तो फिर बाद में मिलते हैं। चलो है झूठा। अच्छा बोल रहा है कि झूले के ऊपर झूलूंगा तो जला देता हूँ। अभी आ गया झूले। हाँ छोटा भी है बड़ा भी है। झूठा लेना वा किन्ने बड़े थे के छोटे थे। हाँ बोल रहा है कि बड़े वाले से गिर जाऊंगा छोटे वाले पे लूंगा। हाँ अभी बच्चा है तू है ना छोटा वा। हाँ ते तेरा गोरा वीरा कितने है। दूध ठंडा हो रहा है, बहुत श्रद्धा है लोगों में। तो आपने देख ही लगा, मैं आपको दिखाना चाहता है इसलिए मैंने थोड़ी छोटी छोटी क्लिप बनाई है सभी मतलब लंगरों की। यहाँ पर फ्रूट और वगैरह मतलब लंगर कोई भी मतलब ऐसी जो होस्ट होटल पे चीज़ मिलती है ना उसके मतलब कोई भी मतलब चीज़ नहीं है जो यहाँ पर लंगर में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। चलो अब चलते हैं आगे तो दर्शन कर लें बाबा जी के। मैं आपको पूरे मेले के दर्शन करवाऊँगा तो वीडियो एंड तक देखना। चलो चलो, बारिश की वजह से भाई देखोगे कीचड़ बहुत हो चुका है। ट्रोलियां भर भर के मतलब कोल्ड ड्रिंक की आई हैं, लेके आए हैं। आ जाओ आ जाओ। और यहां पर देखो खीर जलेब और लंगर लगे हुए देखो। भाई देखो कि हम इतना कुछ खा तो नहीं पाएंगे पर मैं आपको दर्शन करवाऊंगा मतलब दिखाऊंगा कि आप देख सको। देखो एक लंगर यहाँ पर भी। अरे भाई साहब क्या ही बताऊं मैं आपको कि देख ही सकते हो, आप देख ही रहे हो। तो आगे शायद यार दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। इधर झूला है छोटा। अरे भाई एक और लंगर आ चुका है, देखो मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। फ्रूट के लंगर लगे हुए यहाँ पर देखो। वो तो चुक लेना अगे चल के चुकूंगा तेन। अरे भाई क्या ही बोलू मैं, भीड़ देखो यहाँ पर फिर आगे देखो कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर भी लंगर प्रसादी का लगा हुआ खाने का। बलविंदर बोल रही है कि
छकना है प्रसादा, तो मैं तो खा के आया था घर से। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, तो नीचे गारा हो रहा है ना, इसलिए लाइन में खिला रहे हैं। तो मैंने तो घर से सुबह 2-3 पराठे खा लिए थे, और बलविंदर ने कुछ नहीं खाया, वो कह रही है कि अभी खाना खाऊंगी प्रसादा। तो मैंने कहा चल मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ कर्णवीर को लेके। तो कबड्डी भी होती है यहाँ पर बहुत बड़ी, तो शायद अगर बारिश रुक गई तो शाम को हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि लंगर में क्या क्या है, देखो चने तंदूरी रोटी और जलेब दाल और चने की सब्जी है और खीर है। तो भाई बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लोगों के अंदर। तंदूरी रोटी खानी है, है? खाना खाना रोटी खानी नहीं। कर्णवीर तो खोल हो गया है घर से ही, उधर आप चलते हैं चाची रोटी खा लेंगे। चाची नू किधर, चल आ जा मैं दिखाता हूँ। हाँ ये सोच रहा है कि यहाँ पर झूला है, मैं इसको दिखा देता हूँ, पता नहीं क्या है। अरे भाई लाइन लगी हुई है यहाँ पर देखो दर्शन करने के लिए, तो मैं आपको दर्शन करवाऊंगा उधर से भी। पूरे घंटे बाद आइए बलविंदर, आया उधर टेबल दिखा लो उधर, चलो और चल जाओ यहाँ पर खा लेते हैं। तो देखो सरसों का साग और पनीर की सब्जी, अजवार दी रोटी है। कर्णवीर खानी है, है? प्रसादा में और लेके आना उतो। हाँ तो चलो भाई वो खाना खा के फिर मिलते हैं। तो कर जी भाई साहब क्या ही बताऊँ मैं आपको, के देखो यहाँ पर फ्रूट भी चल रहा है और किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर कर्णवीर कुछ नहीं खा रहा, थोड़ा बहुत खा रहा है। खाला खाला। तो भाई पहले रोटी की भूख नहीं थी मेरे को, तो जब मैंने देखा कि तंदूरी रोटी और साग है सरसों का, तो मैंने भी 1.5 रोटी खा ली। तो अभी खा रहे हैं फ्रूट, तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर देखो चल रहा है। फ्रूट का लंगर लगा हुआ है भाई, लंगर तो इतने ही लगे हुए ना, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। देख रहे होंगे आपने वीडियो में, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है, वीडियो एंड तक देखना। तो चलो अभी कर्णवीर को झूला भी जलाऊंगा। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर ये चल नहीं रहा, देखो मेरे कपड़ों का क्या हाल कर दिया इसने, तो क्योंकि बारिश है। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, क्योंकि किसी के नीचे आ जाता है इसका पाँव, तो मैंने इसलिए उठा लिया ऊपर, क्योंकि भीड़ देख सकते हैं आप, पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। तो अभी फ्रूट खा लूँ फिर मैं बाद में मिलता हूँ। तो भाई पूरा मेले का मजा खराब हो चुका है, देखो पानी भर चुका है पूरा। तो ये झूला, इस पर झूलने के लिए कह रहा है कर्णवीर। अभी बच्चे नहीं है, अकेला ही है बस। भैया स्टेरिंग फाड़ ला, स्टेरिंग फाड़ ला, स्टेरिंग फाड़ ला गाड़ियों। मजे ले रहा, पूरे डरा हुआ है, डरते लगन दिया है, नहीं डरता। तो भाई यार इतनी भीड़ में वीडियो बना रहा हूँ मैं, अब देखो कितना मुश्किल हो जाता है। तो फिर यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार। कितने चले हैं दुकान ते, की लैन चले हैं, की लैन चिप्स खाना, चल ले आ जा। तो हे गाइस मेला देख के हम लोग आ चुके हैं अपने घर, तो शाम के 6 बजने वाले हैं, तो काफ़ी लेट हो गया मैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है, वीडियो को मतलब एडिट करना है, अपलोड करना है ना, तो फिर आप लोग देख सकेंगे। तो भाइयों मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि यार आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, नया नया चैनल खोला मैंने, तो यार प्लीज़ यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और
अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्लॉग अपलोड करूं, तो आप लोग सपोर्ट करो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।